बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ स्टीम रोस्ट की। ये मैंने 1.5 किलो की रान ले ली है। अब मैं इसे आपको बनाना दिखाती हूँ। ये ऐसे पकड़ के इसे डीप टक लगाने हैं। छुरी आपने तेज़ वाली लेनी है। ये देखिए, और इधर से ये वाला पट्टा, ये देखिए, ये ऐसे हो जाएगा। अब इधर से 2 से 3 टक्के ही लगाने हमें। बिस्मिल्लाह। ये तकरीबन 2 से 3 किलो पानी ले लेना और 1/2 चम्मच लहसुन की ले लेनी है, कूटा हुआ लहसुन। और 1/2 चम्मच नमक की, 1/2 कप सिरके दे। और इसमें ना आराम को 1.5 घंटे के लिए आपने डिप करके रख देना है। इसमें पानी थोड़ा सा मैं और डालूंगी, 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह से ये 1 घंटा हो गया। मुझे पानी में 1 घंटा रख के 15 मिनट हो गए मुझे बाहर निकाले हुए। अब पानी खुश्क हो गया, अब मैं फ्राई करने लगी हूँ। ऑयल मैंने चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, अब फ्राई करना है 10 मिनट के लिए। इसे फ्राई करना है, कर लिया इसे फ्राई ऑयल में। अब मैं इसे निकालने लगी, दोनों साइडों से मैंने कर लिया। अब ठंडा हो गया तो फिर मैरिनेशन करते हैं। ये सारा ही ना इसका घी निकाल लेना और 10 मिनट के लिए ना इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लें, फिर मैरिनेशन करते हैं। ये मेरी रान फ्राई हो गई है, अब ठंडी होती है 10 से 15 मिनट बाद मैं आपको ना मैरिनेशन करना सिखाती हूँ। ये मैं पंखा चला देती हूँ, ये जल्दी ठंडी हो जाए, ठंडी होती है तो फिर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैंने 10 मिनट के लिए रख लिया, रान ठंडी हो गई है। अब मैं मैरिनेशन करने लगी हूँ। ये मैंने 1 चम्मच सूखा धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट दोनों ही मोटे मोटे कूट लिए हैं। और ये 5 चम्मच दही के ले लिए मैंने, 2 चम्मच लेमन जूस, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच गरम मसाला, 1 चुटकी कलवंजी, 1 चुटकी मेथी और 1/2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच भर के कचरी पाउडर। हाफ चम्मच जर्दा रंग, 2 चम्मच केचप, 1/2 चम्मच में चीजें जाएंगी। अब अच्छी तरह हल कर लीजिए। ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब रान को उठाना है इसमें और इस कट में ना ऐसे भर लेना मसाला, सब कटी कट से कट में सभी में ना अच्छी तरह इसकी फिलिंग कर देनी हमने और 24 घंटे के लिए छोड़ देना इसे। बहुत मज़े की बनती है। हाफ चम्मच मैंने नमक इसलिए लगाया है, 1/2 चम्मच मैंने पहले लगा दिया था, 1 चम्मच मैंने पहले लगा दिया था पानी में, 1/2 चम्मच दोबारा फिर लगा दिया। अब मैं इसे छोड़ने लगी हूँ 24 घंटे के लिए।
24 घंटे बाद दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रान को 24 घंटे हो गए मुझे मैरिनेट करके रखे हुए को, अब मैं इसे ना करने लगी फॉल में लपेटने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह की एक आपने फॉल पेपर लेना और इसे बीच रख देना। बिस्मिल्लाह, ये जो भी मसाला है ये ऊपर ही है। ये अच्छी तरह ने इसे कवर कर देना, ये कवर कर दिया। अब आपने रफ सा एक देचका लेना है, ये तीन लेमन डालनी है, एक दालचीनी डालनी है, एक दालचीनी का टुकड़ा डालना है, एक मोटी इलायची डालनी है, एक तेज़पत्ता डालना है, एक जायफल डालना है, चार छोटी इलायची डालनी है, चार से पांच लौंग डालने हैं, एक चम्मच सौंफ का और हाफ चम्मच जीरे का, और तकरीबन 2 किलो पानी डाल देना इसमें। और ये स्टीम इसके भी स्टीमर रख देना है और रान को इसके बीच रख देना है। और इसके ऊपर कवर लगा के हमने चूल्हे के ऊपर 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखना है। ये मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया, अब उबाल आता है, फिर कवर दे के फुल तेज़ आंच मैंने की हुई है। ये मैं ऊपर कवर देने लगी इसके और ये 5 मिनट बाद मैंने दम वाली आंच रख देनी है। ये 5 मिनट मैं आपको आप 4 घंटे बाद दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 4 घंटे हो गए इसे रान को मुझे ना स्टीम करते हुए। ऊपर ये मैंने तौलिया डाला हुआ था, वज़न रखा हुआ था। बिस्मिल्लाह, अभी गर्म बहुत है, मैं आपको उधर शिफ्ट करके दिखाऊं। ये अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त ये रान तैयार हो गई। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से, ये 4 घंटे लगे हैं इसे फ्राई स्टीम होते हुए। 4 घंटे बाद ये स्टीम मैंने खोला इसका, 2 किलो पानी डाल के मैंने स्टीम लगा दिया था। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझे दुआओं में याद रखें।